हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस टुडे और टॉपिक इज एडवर्ब आज हम एडवर्ब की के को डिस्कस करेंगे कि एडवर्ब किस तरीके से है और क्या क्या कहा, कहां कहां हम इसको यूज करते हैं so guys, तो तो गाइस एडवर्ब आप पहले से जानते होंगे जिसको हम क्रिया में बोलते हैं आ, हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण ठीक है क्रिया विशेषण होता है वो वाले शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं जो वर्ब की विशेषता को बताते हैं जो क्वालिटी दैट मॉडिफाइज द वर्ब ठीक है जो आपकी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं दैट आर एडवर्ब्स तो आज हम इन्हीं को पढ़ेंगे कि एडवर्ब किस किस तरीके से फिल होती है कौन कौन सी एडवर्ब होंगी इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं आपकी एडवर्ब ऑफ मैनर आता है एडवर्ब ऑफ टाइम आता है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री आता है ठीक है तो ये सब हम एडवर्ब जो है ये अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे कि एडवर्ब होता क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स आगे रहती है तो एडवर्ब को बेसिकली बहुत सारी एडवर्ब्स आपकी एंड में एल वाई से बनती हैं। वो आपकी एडवर्ब होती हैं जो आपके वर्ब के बारे में बताती है कौन सा काम जो है वो किस मैनर में हो रहा है दैट इज द एडवर्ब ऑफ मैनर किस टाइम पे हो रहा है दैट इज द एडवर्ब ऑफ टाइम किस फ्रिक्वेंसी से हो रहा है एक बार हो रहा है दो बार हो रहा है तीन बार इज़ है एडवर्ब फ्रिक्वेंसी इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं आपके रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को रिलेटिव रिलेट करके बताते हैं तो ये बहुत सारे एडवर्ब्स हैं जो हम यूज करते हैं आइए गाइस तो आज हम फर्स्ट लाइट को डिस्कस करेंगे इनके सेंटेंसेस को आर्यन ड्रो फास्ट एंड ही लॉस्ट हिज ड्राइविंग लाइसेंस देखिए गाइस अब ड्रोब लिखा है ठीक है तो आर्यन क्या करता है ड्रो करते है, है. लेकिन किस तरीके से फास्ट तो फास्ट क्या है तो वर्व हो गया अब ये वर्व के बारे में बता रहा है वर्व तो है लेकिन किस तरीके से हो रहा है ये एक्शन फास्ट तरीके से तो फास्ट इज द एडवर्ब ठीक है तो फास्ट क्या रहेगा आपका एडवर्ब यहाँ पे थर्ड जो आंसर आंसर रहेगा दैट इज द राइट आंसर नेक्स्ट आई was हार्डली satisfied by your incomplete आंसर अब देखिए मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे एडवर्ब जो होते हैं वो -वाई से भी होते हैं। That is the, ये आपका रहेगा एडवर्ब ऑफ मैनर कि आई was हार्डली satisfied. मैं बहुत मुश्किल से सेटिस्फाइड हो पाया हूं आपके इस इनकम्प्लीट आंसर से तो ये जो आपका इसका आंसर रहेगा दैट इज बी पार्ट बी पार्ट इज द राइट आंसर

जो आपका नेवर है, that is the कि आपने कभी भी वो काम नहीं किया आपने कभी भी मालदीप भी नहीं गए हो, बट आई वुड लाइक टू गो देर मैं वहां जाना चाहूंगा ठीक है तो यहाँ पे नेवर जो है दैट इज द एडवर्व तो नेवर जो रहेगा वो दैट इज द राइट आंसर

शी सेंग मिलोडियसली एट द फंक्शन वो बहुत ही अच्छा मीठा गाया था उसने फंक्शन में तो मिलोडियसली का जो सिमिलर uh, वर्ड होता है हमने melodiously पे लेकिन उसको हमने रिप्लेस करके लिखना है तो दैट इज द स्वीटली स्वीटली इज द राइट आंसर यहाँ भी रिप्लेस करना है द टीचर टॉटस हाउ टू राइट नीटली वो कहता है टीचर ने हमें पढ़ाया था कि हमें किस तरीके से लिखना है बहुत ही नीटली लिखना है तो नीटली क्या होता है बहुत ही

पोसिट में मतलब इसका सिनोनिम्स रहता है तो यही आपने उसको रिप्लेस करके लिखना है एन्चेंटिंगली का तो उसका मीनिंग आएगा ए पार्ट इज योर राइट आंसर नेक्स्ट रिप्लेस द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस इट वाज अ फेयरली इजी क्वेश्चन वो कहता फेयरली ये कैसा था इजी क्वेश्चन अब देखिए फेयरली जो है वो आपका एडवर्ब है एलवाई वाला लेकिन आपको रिप्लेस करके लिखना है तो रिप्लेस का क्या रहेगा इसका राइट आंसर दैट इज द रीजनेबली ठीक है रीज़नेबली ये क्या है बहुत ही इजी क्वेश्चन था नेक्स्ट आई एम नॉट होली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस देखिए होली जो है ये यहाँ पे एड हुआ में लेकिन आपने होली को चेंज करके उसको रिप्लेस करके आपने उसका मीनिंग लिखना है तो होली जो होता है दैट इज मीनिंग द होल पूरा तो वो कहता है मैं पूरी तरह से इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं तो आई एम नॉट फुली यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा होली का जो रिप्लेस वर्ड आएगा दैट इज द फुली फुली इज द राइट आंसर रिप्लेस द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस ही टॉक टू मी रूडली वो मुझसे कैसे बात कर रहा rude, बात की, ठीक है तो अब रिप्लेस करना आपने एडवर्ब को तो रूडली क्या होता है रूडली होता है बहुत मतलब हार्श तरीके से बात की है तो यहाँ पे रूडली का क्या आएगा अब आपने इसको रिप्लेस करके लिखना है तो अगर आपको इसका सिमिलर लिखना है तो लाउडली अगर आपको अपोजिट लिखना है तो दैट इज द पोलाइटली ठीक है हाँ रिप्लेस the the sentences. पुलिस फाउंड found him sitting inside द कॉफी हाउस पुलिस ने उसको कहाँ पाया था क्योंकि वो उस कॉफी हाउस के अंदर बैठा हुआ था तो द पुलिस फाउंड हिम सिटी लेकिन बैठा तो था लेकिन कहाँ? इनसाइड द कॉफी हाउस इनसाइड का अब आपने रिप्लेस करके लिखना है इन होता है अंदर अभी इसमें अपोजिट रहा है जैसे हमने पीछे वाले सेंटेंस में भी रूडली का अपोजिट हमने पोलाइटली लिखा था ऐसे तो रूडली का सिमिलर लिखते तो वो होता है कि बहुत हार्शली बात की उसने बहुत लाउडली लेकिन हमने उसका अपोजिट लिखा था वो क्या था आपका पोलाइटली um, ठीक है तो यहाँ पे इन का क्या रहेगा आपका आउटसाइड आउटसाइड इज द राइट आंसर

मतलब मतलब से, से तो राइट आंसर अपोजिट लिखा न, ना अभी हमने रिप्लेस देंटेंसेज तो इसमें एडवर्व इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज कौन सा आएगा द इशू वॉज थॉरली डिस्कस इन द मीटिंग जो इशू है वो थॉरली क्या हुआ है डिस्कस mm, हुआ है मीटिंग में थॉरली होता है पूरा ओवरऑल तो इसका अपोजिट आप, लिखेंगे तो that is the partially. Partially होता पार्ट में हमने जैसे ही रियली हेल्प द पोअर वो रियली really जो है वो किसकी हेल्प करता है पोअर की तो रियली really होता है कि मतलब सच में वो ऐसे करता है लेकिन यहाँ पे आएगा फ्रिक्वेंटली ठीक है इसका राइट right आंसर

बैडली इन दस्टडे मैच क्योंकि बैडली क्या है इज द एडवर्ब ठीक है यहाँ पे आपको फील करना है मोर्निका इज वेरी इम्पेश ही उसका बहुत ज्यादा क्या कर रही है तो अपनी फ्रेंड का वेट कर रही है तो इम्पेश राइट आंसर नेक्स्ट चूज द करेक्ट एडवर्ब टू कंप्लीट देंटेंस इन द ब्लैंक्स ही ट्रीट इज बैड कैसे बहुत ही टेरिबली बहुत ही तरीके से अपने पेट को वो ट्रीट करती है, है? ठीक सेंटेंस इन द ब्लैक शी टर्न फॉर द पिकनिक अनएक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेडली अनएक्सपेक्टेडली मतलब बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली वो क्या थी पिकनिक के लिए थी तो ये आपका राइट आंसर रहेगा तो गाइज ये आपके ट्वेंटी सेंटेंसेज थे जो आपके एडवर्ब थे किए थे जो हमने डिस्कस किए हैं कि इनको किस तरीके से कौन कौन सा फील आएगा कुछ में हमने सिनोनिम्स लिखने थे कुछ में एंटोनिम्स भी लिखे हैं और कुछ में हमने फिलिंग दी ब्लैंक्स भी फिल की हैं एडवर्ब के अकॉर्डिंग आई होप गाइस की आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे तो नेक्स्ट आपका दिस इज फॉर योर होमवर्क आप घर में अच्छे से एडवर्ब को पढ़िए एडवर्ब क्या होता है कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो एक्सरसाइज है इसको आप अपना फिल कीजिए प्रॉपर तरीके से ठीक है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आंसर जो हैं, वो इसमें फिल होंगे अब ये जो वीडियो है जी हमने पीछे मैंने पीछे वाली वीडियो में पढ़ाया था उसमें आपको एक होमवर्क दिया था तो ये वो होमवर्क है इसके हम आंसर्स देख लेते हैं आई होप कि आपने फिल करके रखे होंगे और अपने चेक कर लीजिए कौन से आपके आंसर सही है अनडाउली इंग्लिश इज द मोस्ट डैश स्पोकन इंग्लिश इन द लैंग्वेज इन द वर्ल्ड वो कहता है अनडाउटली कि कोई डाउट नहीं है कि इंग्लिश क्या है बहुत ही वाइडली यहाँ क्या आएगा वाइडली स्पोकन लैंग्वेज बहुत ही बड़े लेवल पे बोली जाती है वर्ल्ड में आज तक स्प्रिंग इज द सीजन डैश नेचर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल वो कहता है स्प्रिंग एक ऐसा सीजन है जब वैन नेचर तो ये आपका रिलेटिव है यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब शो कर है वेन नेचर इज ठीक है क्योंकि वो कब अच्छा है जब नेचर मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है डैश अपॉन अ टाइम देर लिव अंग समय की बात है तो ये टाइम की बात हो रही है एक समय की बात है जब वह किंग रहता था ठीक है द सेंगो डैश टू मैनी कुक स्पॉइल द फूट वो कहता है बहुत द सेंगो ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा कुक करने से फूड जो है देट विल बी स्पॉइल तो टू मैनी यहाँ पे आपका एडवर्व रहेगा वो, तो right वो कहा था वेल well, अच्छा किया था इन दैल इज ऑल्सो यूर एड वर्व आई एम डीपली लव विद यू वो कहता है मैं क्या हूँ डीपली प्यार में हूँ तुम्हारे साथ डीपली इज द एड वर्व आई लाइक मैंगोस माई फ्रेंड फॉइना लाइक्स दम टू वो कहता मैं भी मैंगो पसंद मैं मैंगो पसंद करता हूँ और मेरी फ्रेंड जो फॉयना है वो भी उनको बहुत पसंद करती है तो टू आएगा आई एम डैश टायर्ड टू गो इन द पार्टी वो कहता आई एम टू टायर्ड मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ पार्टी में जाने के लिए ठीक है so, तो 10th is my cellopen was dash working in the essay competition मेरा सेलो पेन जो था वो वाज Nicely working, बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था आप देखिए सेलो पेन वर्क कैसे कर रहा था नाइसली बहुत ही अच्छे तरीके से तो ये वर्व के बारे में बता रहे ना तो ऐसे कॉम्पिटिशन में तो गाइस ये आपके टेंटेंसेज है जो आपको एड वर्व होमवर्क मिला था आपने फिल किया होगा जिसका गलत है वो करेक्ट कर लीजिए तो ये आपकी एक्सरसाइज रही जो होगी तो जो आपको प्रीवियस स्लाइड थी वो आपका क्या था आपका होमवर्क है तो आई होप कि आप प्रॉपर तरीके से इसको फिल करेंगे और आपको समझ भी आ रहा होगा कि किस तरीके से एडवर्ब फिल होता है तो guys, अच्छे से पढ़िए अगर कोई है, कोई कंफ्यूजन है भी डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में आई होप कि यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एडवर्ब एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवर्ब वर्ब एक अलग से वीडियो बनाएंगे एडवर्ब के ऊपर जो प्रॉपर हम एडवर्ब पढ़ेंगे तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो Okay friends, thanks for watching my video. If you like my video, then please like, share and subscribe my channel.